ओडिशा रेल्वे अपघातानंतर सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. ओडिशातील बालासोर जिल्ह्यातील बेहनगा रेल्वे स्थानकाजवळ शुक्रवारी झालेल्या 3 ट्रेनच्या भीषण अपघातात आत्तापर्यंत 288 जणांचा मृत्यू झाला आहे तर 900 अधिक प्रवासी जखमी झाल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. या अपघातानंतर 100 अधिक मृतदेहांची ओळख अद्यापही पटलेली नाही आहे तर अनेक मृतदेह हे सापडले नाही आहेत. या भीषण अपघातानंतर अनेक जण मदतीसाठी पुढे सरसावले, त्यातीलच एक नाव म्हणजे बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद. सोनू सूदने ओडिशा अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबियांसाठी एक हेल्पलाईन नंबर जारी केला आहे. याबाबत त्याने व्हिडिओद्वारे माहिती दिली आहे. अपघातग्रस्तांना त्यांचा व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी आणि त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी मदत करण्याचा निर्णय त्याने घेतला असून हा उपक्रम ओडिशा रेलवे अपघातातील कुटुंबांना मदत करणारा ठरणार आहे. नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से ऐसे परिवार हैं जो ओडिशा रेल दुर्घटना के अंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं. कुछ लोगों ने अपने परिजन खो दिए, कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह घायल हुए और पता नहीं कि आगे वो जिंदगी कैसे काटेंगे. सो उनकी मदद करने के लिए हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. इस नंबर पर अगर आप उस परिवार का कोई हिस्सा है या उस परिवार को जानते हैं या हमें उनसे कनेक्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ इस पे SMS भेजिए. याद रखिए, इस पे आपको फ़ोन नहीं करना है, सिर्फ SMS भेजना है और आप हमें उस परिवार के साथ जोड़े. हम लोग कोशिश करेंगे कि वापस कैसे उसे अपने वापस पैरों पर खड़ा किया जा सकता है, चाहे उसे नौकरी दी जाए या उसके लिए छोटा सा कोई कारोबार या बिजनेस बनाया जाए उन्हीं के गांव के अंदर, या उनके अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें किसी तरीके से मदद नहीं पहुंच रही है, तो हम लोग वो भी कोशिश करेंगे. याद रखिए कि ये नंबर सिर्फ ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए है और आपको सिर्फ SMS करना है. हमारी एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास मेरा सूद चैरिटी फाउंडेशन का कि किस तरह हम उन लोगों तक पहुंच पाए जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाए. तो अगर आप इसे शेयर करेंगे या फिर उन लोगों से हमें जोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह हम वापस आपको आपके पैरों पर खड़ा कर पाए. धन्यवाद. दरम्यान काही दिवसांपूर्वी सोनू सूदने या दुर्घटनेतील पीडितांसाठी शोक व्यक्त करणारा हृदयस्पर्शी संदेश शेअर करत त्याने राज्य सरकार केंद्र सरकारला भविष्यासाठी आदर्श ठरतील अशी धोरणं राबवण्याचं आवाहन देखील केलं होतं.